The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. See, ERCP, yani ke endoscopic retrograde cholangiopancreatography, ek special technique hai, specialized technique hai, jisse हम गॉल ब्लैडर का जो रास्ता है बाइल डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट गॉल ब्लैडर इन तीनों को देख सकते हैं अंदर से दूरबीन के रास्ते दूर मतलब उसमें तार डाल के अंदर से एक काइंड ऑफ एंडोस्कोपिक हो गया एंडोस्कोप राइट अंदर से स्कोप डाला स्कोप मतलब देखने वाली चीज राइट इसमें जो डक्ट्स हैं उसके जो रास्ते हैं उनके आउटलेट होते हैं उन आउटलेट को जो कि बेसिकली लिवर से बाहर निकल के इंटेस्टाइन में आते हैं आपके आथड़ियों में बाइल जाता है वो बाइलरी डक्ट को चेक किया जा सकता है कि कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है कितना कितना ब्लॉकेज है अगर कोई पत्थर कोई स्टोन गॉल स्टोन वहाँ रास्ते में फंसा हो तो उसको निकाला भी जा सकता है राइट पैनक्रियाटिक डक्ट भी पैनक्रियास से भी एक डक्ट गॉल ब्लैडर के साथ वाले डक्ट के साथ मिलके आपकी अथड़ियों में खुलता है सो लिवर से आती है बाइल पैनक्रियास से पैनक्रियास लाइपेज अमाइलेज गॉल ब्लैडर में बाइल कॉन्सेंट्रेट होके आगे जाके पैनक्रियास के डक्ट से मिलके इंटेस्टाइन अथड़ियों में जाता है सो ईआरसीपी आपके मुंह से किया जाता है आपके मुंह से एक एंडोस्कोप डाला जाएगा और वो आपके माउथ के थ्रू आपके पेट के थ्रू पेट में जाया जाएगा पेट के नीचे जहां पर ये इंटेस्टाइन में खुलती है डक्ट वहां जाता है और वहां से फिर वो जो उल्टा जहां से खुलती है वहां से ट्यूब अंदर डाली जाती है बड़ी ही बड़ा ही यू नो स्पेशलाइज्ड टेक्निक है तो वो उसके उल्टे रास्ते से डाली जाती है कुछ चीरा वीरा नहीं लगता इसमें और इसमें आपके डॉक्टर एंडोस्कोपिकली देख सकते हैं अंदर का पूरा पूरा रास्ता दिखता भी है वहाँ पे सो वहाँ से आपको एंडोस्कोपिकली सारा उल्टा रास्ता दिखता है साथ साथ में टीवी पे वीडियो चलता रहता है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप 6 घंटे फास्टिंग करें आपके पेट में तब खाना ना हो खाली रहेगा तो ही ना खाने के बीच में कैसे देखेंगे सो इट नीड्स टू बी एम्प्टी इसलिए उस समय बॉबल प्रिपरेशन ज़रूरी होता है ईआरसीपी के पहले और कई बार आपको डॉक्टर कुछ मेडिकेशन अगर कुछ ले रहे हो तो कोई मेडिसिन से एलर्जी हो कोई डाई से एलर्जी हो तो फिर उसके लिए टेस्ट किए जाते हैं ब्लड टेस्ट किए जाते हैं किडनी के टेस्ट किए जाते हैं कोई दवा ब्लड थिनर तो नहीं ले रहे हो कोई आर्थराइटिस की इधर उधर की दवा तो नहीं उसको समझा जाता है और उसके कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होंगे ये समझ के फिर डिसाइड किया जाता है कि ईआरसीपी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी और मुंह के अंदर थ्रोट के अंदर थोड़ा सा ओरल एनेस्थेटिक जो वहाँ पे आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग ना हो ओरल स्प्रे या वो या कई बार आपको सेडेटिव दिया जाता है ताकि आप कंफर्टेबल रहो और वो देके आपके अंदर वो ट्यूब डाली जाती है राइट उसके बाद में एक तरीके से आप पेट सीधा लेटते हो और आपको वो ट्यूब डाली जाती है और उससे सारा सिस्टम देखा जा सकता है और उससे देख के बहुत आसानी से पता चल जाता है कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है इसके साथ में हमें ये समझना है कि ऑब्वियसली ये नॉन इन्वेजिव है मतलब कोई चीरा नहीं पड़ रहा लेकिन सॉरी नॉन इन्वेजिव मतलब इन्वेजिव टेक्निक है माइल्डली इन्वेजिव है लेकिन इसमें कोई चीरा नहीं पड़ रहा है लेकिन फिर भी अंदर जब ट्यूब जाती है तो वो कई बार इन्फ्लामेशन कर सकती है पैनक्रियास का बॉवेल का कई बार अगर बॉवेल के अंदर कुछ छाला हो तो वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है तो इसलिए स्पेशलाइज लोग ऐसी कोई भी उठा के नहीं करता इसको राइट रिस्क बहुत माइनर होता है या वेरिएबल होता है हर एक केस में इसलिए केस को पहले डिस्कस किया जाता है आपके केस में क्या रिस्क है क्या नहीं है सो ईआरसीपी आउट पेशेंट भी मतलब ओपीडी बेसिस पे करा जा सकता है उसके लिए भर्ती होने की ज़रूरत नहीं होती है और ईआरसीपी में भी थेरापिटिक इंटरवेंशन किया जा सकता है थेरापिटिक इंटरवेंशन किए जा सकते का मतलब कि अगर कोई पेशेंट को कोई मेडिकल मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो स्टोन जो दिख रहा है अगर कोई स्टोन दिख गया तो उसको रिमूव किया जा सकता है ईआरसीपी के दौरान ही उसके थ्रू राइट उसमें जब रिमूव करते हैं तब ऑब्वियसली जब पत्थर कहीं अटका तो नहीं है निकालेंगे कई बार तोड़ना पड़ता है काटना पड़ता है तो वट एवर दीज थिंग्स हैपन तो ऑब्वियसली वहाँ ब्लीडिंग के इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं लेकिन ऑब्वियसली जब पेट में चीरा मारेंगे तब भी तो यही सारे चांसेस होंगे सो ऑब्वियसली वो आपको रिस्क तो समझना होगा सो थेरापेटिक ईआरसीपी में इंटरवेंशन किए जा सकते हैं
ईआरसीपी के बाद आपको थोड़ा बहुत ब्लोटिंग, थोड़ा बहुत गैस पास हो सकता है, क्योंकि वहाँ हवा इंट्रोड्यूस हो जाती है आपके इंटेस्टाइन्स में जब आप ये कर रहे हो, तो गैस रहेगी, ब्लोटिंग होगी। उसके लिए कोई मेजर चीज़ नहीं करनी है, थोड़े देर, थोड़े कुछ टाइम पे वो ठीक हो जाएगा, राइट। और उसके बाद में हर एक सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, इसलिए आपके डॉक्टर आपको समझाएंगे कि आपके केस में आपको क्या क्या चीज़ों का एहतियात रखनी है ईआरसीपी के बाद। और आगे ईआरसीपी की रिपोर्ट के अनुसार डिसाइड होता है कि पेशेंट को गॉल ब्लैडर रिमूवल ही पूरा का पूरा करना पड़ेगा या नहीं। कई बार एमआरसीपी पहले होता है, एमआरसीपी यही टेस्ट होता है जो एंडोस्कोपी की जगह मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपैनक्रियाटोग्रेसिस यानी कि एमआरआई के थ्रू हम यही सारी चीजें चेक करते हैं। उसमें ये पता चलता है अगर इस गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है तो वो उल्टा नहीं निकाला जा सकता, वो मुश्किल होता है ऐसा तोड़ तोड़ के निकालना, दैट्स अ डिफिकल्ट थिंग, और वो ज़्यादा रिस्की होता है। अगर गॉल ब्लैडर के रास्ते में स्टोन फंसा हुआ है, जहाँ ऑलरेडी रास्ता है, तो वहाँ पर फंसे हुए स्टोन को इंटरवेंशन यानी निकाला जा सकता है। सो ये चीज़ पहले पता करने के लिए एमआरसीपी की जाती है। सो एमआरसीपी, ईआरसीपी, इस चीज़ को आपने समझना ज़रूरी है जब भी अगर किसी को गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम है, राइट। दिस इज ऑल अबाउट ईआरसीपी।